हे एवरीवन, वेलकम टू माय क्लावर बुक्स। मेरा नाम है माधुरी नागले और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर्स 2020 2020 की जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं वो सारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर किसी भी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली जो हमारी बुक है वो है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस बाय रिचर्ड एस्थैलर एंड कास आर सस्टेन। ये बुक जो है ये एनवायरनमेंट के बारे में बात करती है। ग्रीन नजेस जो है एक कंसेप्ट दिया गया है कि कैसे हम अपने काम भी कर सकते हैं और साथ ही एनवायरनमेंट को भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है इन्वर्टोनॉमिक्स 8 आइडियाज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया और इसके राइटर है गुरमीत सिंह चौहान। अगली जो बुक है वो है शीला बर्नस्टेल की। इनकी दो बुक्स आपको पढ़नी है, नथिंग टू लूज एंड माय ओन रूल्स मां आनंदम शीला। ठीक है, ये दो किताबें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंट्रोवर्सी में भी रही है और ये पर्सनालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको दोनों बुक्स याद रखनी है। अगली बुक है पोप फ्रांसिस ने इसको लिखा है, लेट अस ड्रीम। नेक्स्ट जो बुक है, अगर आप इन पर्सनालिटी को जानते हैं बाय फेस बहुत अच्छी बात है, बट नाम सुनके तो आप जरूर जान जाएंगे, ये है रामचंद्र गुहा और बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है। इनकी एक बुक आई है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमन काइंड। तो बस इतना याद रखें कि कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट जो है इतना अगर याद रख लेंगे तो दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू। नेक्स्ट है गुरचरण सिंह, पिचिंग इट्स स्ट्रेट, को ऑथर्ड बाय सीनियर जर्नलिस्ट MS उन्नीकृष्णन। ठीक है, अगली जो बुक है वो है आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने रिलीज किया है इसको, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव। अगली जो बुक है वो है क्रिकेट द्रोणा बाय जतिन परांजपे एंड इसको साथ में इनके साथ को ऑथर किया है एक जर्नलिस्ट है आनंद वसु उन्होंने। अगली बात करें हम लोग तो श्री अय्यर की दो बुक्स आपको याद रखनी है। वैसे तो अभी आई है श्री अय्यर की बुक हु पेंटेड माई लस्ट रेड और इसके पहले आई है हु पेंटेड माई मनी व्हाइट। तो बेसिकली जो कनेक्शन है क्रिकेट का, बॉलीवुड का और पॉलिटिशियंस का, तो उसके बारे में ये बात करती है, जो डीप और डार्क सीक्रेट्स है उसके बारे में। अगली जो बुक है वो गैस्ट्रिक कैंसर पर है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने इसको वर्चुअली रिलीज किया है गैस्ट्रिक कैंसर पर और लिखा है इसको डॉक्टर अशोक वैद्य ने। ठीक है, गैस्ट्रिक कैंसर जो है उसके ऊपर ये बुक है। अगली बात करते हैं हम लोग चेतन भगत की। तो हालांकि नाम सुनकर भी आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये बुक चेतन भगत की है, वन अरेंज्ड मर्डर। ठीक है, यहाँ पर मैरिज को यहाँ पर देख सकते हैं क्राइम सीन एक टैग लगा दिया गया है और मैरिज को यहाँ पर मर्डर कर दिया गया है। तो क्या है इस बुक में आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। अगली जो बुक है वो है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 से लेकर 2020 के बीच में जो भी वॉर्स हुए हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है बाय अर्जुन सुब्रमण्यम। अगली जो बुक है वो है अ बेंड इन टाइम। ठीक है, बच्चों की बुक है ये, बीजल वच्छा राजनी जो है उन्होंने इसको लिखा है। ठीक है, और ये अलग अलग स्टोरी का कंपाइलेशन है बेसिकली। ई बुक जो है कनेक्टिंग पीपल वाया कम्युनिकेशन एंड फॉर चेंजिंग इंडिया, तो इसको लिखा है जावड़ेकर जी ने। अगली बात करते हैं, एक बुक आई है आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। तो ये बुक जो है किसने लिखी है, दलाई लामा ने लिखी है, फाइट अगेंस्ट डेडलॉक इग्नोरेंस ऑन इश्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये जो बुक है दलाई लामा की ये क्लाइमेट चेंज पर बेस्ड है। अगली बात करें हम लोग तो अगली जो बुक है वो है अमेजिंग अयोध्या और इसको लिखा है नीना राय ने। अब बात करते हैं हम लोग दीनयाल पटेल की। तो इनकी एक बुक आई है नरोजी और दादा भाई नरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, तो उनकी आइडियोलॉजीज के बारे में ये बुक बताती है। एक इंपॉर्टेंट बुक आई है लॉकडाउन लेसन, तो इसको लिखा है शोभा डे ने।
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है उन्होंने एक बुकलेट रिलीज की है मोदी गवर्नमेंट 2.0 के नाम से, और ये जो दूसरी टर्म है उसमें पहला साल कैसा रहा मोदी गवर्नमेंट का उसके बारे में बात करती है ये किताब। अगली जो बुक है वो है जेके रोलिंग की बुक द इकाबॉग, ठीक है। और नेक्स्ट है हॉप ऑन। हॉप ऑन जो है ये रस्किन बॉन्ड की बुक है, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, बच्चों की बुक्स ये लिखते हैं और अभी इनका बर्थडे था तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले कुछ महीनों के लिए ये बुक, तो ये याद रखिए। और इनफैक्ट रस्किन बॉन्ड की और भी किताबें, रस्किन बॉन्ड की और भी किताबें होगी तो वो भी आप याद रख लीजिए। आगे बात करें हम लोग तो वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीन सिटी, तो एक चाइनीज राइटर है जिनका नाम है फैंग फैंग, उन्होंने इस बुक को लिखा। इसको पहले हालांकि बैन कर दिया गया था और इंडिया में ये अभी रिलीज हुई है। कैप्टन विजयन थापर जो है उनकी लाइफ पर या उनकी बायोग्राफी लिखी गई है, और जो कर्नल वी एन थापर है उन्होंने राइटर नेहा द्विवेदी के साथ मिलकर, और इनके फादर जो है वो कर्नल रह चुके हैं कैप्टन विजयन थापर के। आगे हम लोग बात करें तो सयाजी गायकवाड़, सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड, तो इसको लिखा है उमा बाला सुब्रमण्यम ने। अगली बात करें तो प्रहलाद सिंह पटेल जो है हमारे कल्चर के मिनिस्टर थे, और इन्होंने रिलीज की है एक ई बुक। प्रोफेसर बीबी लाल जो है एक बहुत ही बड़े आर्कियोलॉजिस्ट है और इन्होंने बुक लिखी थी इंडिया रीडिस्कवर, तो इसी को री रिलीज किया गया है ई बुक के रूप में। द नेक्स्ट बुक इज शटलिंग टू द टॉप, पीवी सिंधु की बायोग्राफी है और इसको लिखा है वी कृष्ण स्वामी। और अगली बुक है मैरी जॉर्डन द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। तो मेलानिया ट्रंप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ है। ऑफ कोर्स ये बुक जो है बहुत कंट्रोवर्सी से भरी हुई है, इसमें सवाल उठाए गए हैं जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके रिलेशंस पर, उनकी जो बेटी है उनके साथ उनके रिलेशंस कैसे हैं, तो ये सारी चीजें इस बुक में है, तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्मृति ईरानी ने रिलीज की है बुक जिसका नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। अगेन जेएम कॉजी जो है वो जीसस पर बेसिकली नॉवेल्स लिखते हैं, और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक नोबेल प्राइज लॉरिएट है, तो इनकी लिखी हुई किताबें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेथ ऑफ जीसस इनकी न्यू नॉवेल आई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नेशनल बुक ट्रस्ट टू लॉन्च कोरोना स्टडी सीरीज बुक, ठीक है। कोरोना स्टडीज पे जो बुक्स हैं वो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने रिलीज की है या लॉन्च की है। नीतीश कुमार ने एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है सियासत में सदस्यता। अब देखिए तो एक असेंबली स्पीकर रहे जिनका नाम है विजय कुमार चौधरी, और इनके ऊपर इनके जो व्यूज है, लाइफ जर्नी है, जो बिहार असेंबली में रही है, तो दिस बुक इज ऑल अबाउट दैट। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो है उन्होंने कर्म योद्धा ग्रंथ एक बुक रिलीज की है, और अमित शाह ने रिलीज की है, तो यू कैन गेस ये जो है बुक अबाउट हमारे प्रधानमंत्री जी जिनका नाम नरेंद्र मोदी जी है, तो उनके ऊपर ये बुक है। आगे बात करें विदेश कोड टू विन, ऑथर जो है इसकी निरुपमा यादव है, और अगर हम लोग बात करें तो विदेश भृगुवंशी है कौन, इंडिया की यंगेस्ट बास्केटबॉल टीम कैप्टन। एक और बुक है रॉ, अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोवर्ट ऑपरेशन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, और जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यतीश यादव जो है इन्होंने लिखी है ये। आगे है सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, और ये द लेजेंड ऑफ किंग सुहेलदेव को लिखा है अमीश त्रिपाठी ने। अगेन अमीश त्रिपाठी जो है टॉपिक तो उठाते हैं ओरिजिनल बट इनकी जो बुक है फुल ऑफ फैंटेसीज होती है। अगर आपने कभी इनको पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कितना डिफरेंट वर्ल्ड होता है इनकी बुक्स में। अगेन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूंगी इनकी पढ़िए, मेलुहा, ओथ ऑफ वायुपुत्रा, सीता, रामा, बहुत सारी इनकी किताबें आई हैं। अगली जो बुक है वो है उर्जित पटेल की, और इन्होंने क्या लिखा है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। नेक्स्ट है आरसी भार्गव की एक किताब है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया, ये। अगली है स्टीफन किंग की इफ इट ब्लीड्स। नेक्स्ट है प्रेमा खांडू ने बुक रिलीज की है द तंगम्स एंड
एंथोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तंगम्स जो है वो एक ग्रुप है अरुणाचल प्रदेश का, और उसके ऊपर ये बुक रिलीज की गई है, द तंगम्स। रस्किन बॉन्ड की एक बुक है सॉन्ग ऑफ इंडिया। अगेन इनका बर्थडे था आईएएस सितंबर में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अक्टूबर में होने वाले एग्जाम्स में इनके बारे में पूछा जाए, मतलब इनकी बुक्स के बारे में। नेक्स्ट है क्राइम राइटर एस हुसैन जैदी, इनकी एक बुक आई है दी एंड गेम। नेक्स्ट है जयशंकर की, एक एस जयशंकर जो है उनकी एक नई बुक आई है द इंडिया वे, स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। नेक्स्ट है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, इसको लिखा है विरल वी आचार्य ने। अगली है नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बुकलेट लॉन्च की है, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। सो दैट्स इट फॉर नाउ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक इट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।